हाई एवरी वन कैसे हो असअलॉक वेलकम बैक इन माई चैनल इन बी परफेक्ट विदो एंड हाई आई एम नीशो हियर तो इस चैनल पर मैं स्किन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करती हूँ एंड मैंने आपको एक क्रीम भी रिकमेंड की थी वो क्रीम ये है और इसके रिगार्डिंग आपको जानना है कि कैसे अप्लाई करना है कितने में मिलेगा क्या यूजेस है इसके तो आप मारे मेरे प्ले लिस्ट जो मैंने बना के रखे है मेरे चैनल पे वहां जाके आप देख सकते हो इजिली आपको मिल जाएगा मार्केट में एंड वहां से वीडियो आप देखोगे ना सारे तो आपको डाउट क्लियर होंगे तो फिलहाल मैं यहाँ पे आज एक डाउट मैं क्लियर करने जा रही हूँ वो है इसके रिगार्डिंग लोशन एस अगर इसको लगाने के बाद हमारे स्किन जो है वो रेड हो जाता है या नहीं तो यहां पे मैं स्क्रीम क्रीम छोटा सा डिटेल दे देती हूँ ये आपको नाइट में अप्लाई करना है एंड मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है मेडिकल स्टोर से और ये अफोर्डेबल भी है परचेस कर सकते हो अंडर वन फिफ्टीन के अंडर आपको ये क्रीम मिल जाएगा एंड बहुत ही अच्छा क्रीम है आपको व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए हेल्प करेगा आप देख सकती है विजिबल तो ये मैंने खुद यूज़ किया है एंड दिस इज़ माय ओपिनियन कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये एडवाइस भी समझो कि मैंने इसको शेयर किया है एंड मैं रिव्यू दे रही हूँ आप देख सकते हो एंड मैं मेन टॉपिक पे बता देती हूँ तो अगर ये क्रीम लगाने से अगर किसी को स्किन रेडनेस फील हो रहा है सो अवॉइड यूजिंग अगर किस किस को होगा जिसको अगर सेंसिटिव स्किन है किसी की तो ही ये जो है रेड आपको देखने को मिलेगा आपकी स्किन पे इज सेंसिटिव स्किन पे आपको देखने को मिलेगा अदरवाइज यू डोंट हैव अ सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिव स्किन नहीं है तो ये आप यूज कर सकते हैं एंड इसके रिगार्डिंग मैं दूसरे वीडियोस भी लेके आने वाली हूँ सारे डाउट क्लियर करने के लिए सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो so, आगे बढ़ते हैं तो इसको नाइट में अप्लाई करना है एंड अगर डार्क सर्कस है तो भी रिमूव हो जाएगा आपको वन मोर थिंक कि अगर आप थोड़ा लेट लग जैसे ही आप सोने जा रहे हो एंड तुरंत आप लगा के सो जा रहे हो तो इसका इफेक्ट आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा एंड ये सें, सेंसिटिव स्किन जो है उन लोगों के लिए थोड़ा सा रेडनेस हो सकता है रेडनेस को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो अगर uh, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन uh, यूज कर सकते हो एलोवेरा यूज कर सकते हो स्किन को आपको मॉइस्चराइज रखना है इससे आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी एंड आपको ग्लो वैसा ही मिलेगा रेडनेस अवॉइड करने के लिए एंड अगर बहुत ज्यादा आपको इचिंगनेस हो रही है लाइक बहुत ज्यादा आपको रेडनेस हो रहा है बहुत ही ज्यादा आपको रेडनेस हो रहा है जलन हो रहा है तो आप इसको यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए स्किन बता रहा है कि आपके लिए सुटेबल नहीं है ये मैं हर वीडियो में ही बताती आ रही हूं इसी के लिए अगर ये कैसे यूज करना कौन सा एज यूज करना है कैसे यूज करना, करना है कैसे अप्लाई करना है एंड कभी लगाना है कौन से एज ग्रुप इसे यूज कर सकती है इसके यूज करने के बाद क्या करना है ये सारे डिटेल वीडियोस मैंने बना दी है सो मेक शो आप जाके मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि आप जाके वीडियोस देख लो ताकि आपके डाउट क्लियर होवे मैं एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे डाउट क्लियर नहीं कर सकती बिकॉज वीडियो जो है बहुत ज्यादा मेन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड इतना भी बड़ा वीडियो कोई इंटरेस्ट नहीं देख पाएगा तो इसीलिए मैं बोल रही हूं आप जाके कंटिन्यूस जो है वीडियोस एक के बाद एक आप देख सकते हो उसमें अब मैंने सब टॉपिक के ऊपर डाउट मैंने क्लियर करके रखा है एंड आपको इजीली समझ भी आएगा होपली क्यों अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है क्या करना है सबके लिए अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो लेंथ में मैंने शेयर करके रखा है तो इससे जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड इसको आपको यूज कभी कर करना है आफ्टर थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स के बाद ही यूज करना है आपकी स्किन जो है वो आप खुद देख सकते हो मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैंने कोई फिल्टर यूज किया है दिस इज द ओरिजिनल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं खुद मैं फोन से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ एंड एडिट मैं लैपटॉप से करती हूँ एंड अपलोड आपको मैं कर देती हूँ नहीं मैं कोई फिल्टर यूज नहीं किया है आप देख सकते हो ये जो है मैंने खुद यूज किया है आपको खुद रिजल्ट सामने दिख रहा है इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूं अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज कर लीजिएगा एंड जो स्किन है आप प्रेम्पर कर लो स्किन केयर के वीडियोस भी मैंने यहाँ प्लेलिस्ट लिस्ट रखी है स्किन केयर में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो भी मैंने आपको बताया है तो मेक श्योर sure आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर और, और कोई डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक